हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू बिबाज वर्ल्ड। मैं हूँ बैशाखी। कैसे हो आप सब? आज हम करेंगे एवरीडे टाइप ऑफ मेकअप। आप कॉलेज में जा रहे हो, आप काम के लिए जा रहे हो, तो उस टाइम पे आप कैसे एक हल्का सा लुक क्रिएट कर सकते हो, तो मैं आज वही लुक आपके साथ शेयर करूँगी। ये एक ट्यूटोरियल टाइप का वीडियो है, तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट कर। आप पहले आपके फेस को क्लीन कर लेना, उसके बाद आप एक रोज वाटर या फिर टोनर से आपके फेस पे लगा लो। जैसे कि मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ये कामा आयुर्वेदा की प्योर एंड रोज वाटर। आपको यही यूज करना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। टोनर को थोड़ा देर सूखने के लिए दो, के बाद आप एक मॉइस्चराइजर यूज कर लो। आपकी स्किन टाइप के हिसाब से आप मॉइस्चराइजर चूज कर लो। मेरी स्किन ऑयली है, तो मैं यहाँ पे यूज करूँगी VLCC की ए लवंग मॉइस्चराइजर। ये ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। मॉइस्चराइजर अप्लाई करने की कुछ देर बाद अब सनस्क्रीन अप्लाई कर लो। सनस्क्रीन बहुत ही जरूरी है, इस धूप में सनस्क्रीन आपकी फेस को प्रोटेक्ट करता है। मैं यहाँ पे सनस्क्रीन के लिए यूज कर रही हूँ न्यूट्रीजीना की अल्ट्रा सीयर ड्राई टच सनब्लॉक। सनस्क्रीन अप्लाई करने के तुरंत बाद ही आप प्राइमर को अप्लाई मत करना, थोड़ा देर रुकना। गर्मी में आप एक प्राइमर ज़रूर यूज़ करना। प्राइमर आपकी जो मेकअप है उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने में बहुत ही हेल्प करता है, तो आप एक प्राइमर ज़रूर। प्राइमर के लिए यूज़ कर रही हूँ ये कलर वर्क की प्राइमर, ये मेरी फेवरेट प्राइमर है। ये प्राइमर आपकी फाउंडेशन को ऑक्सीडाइज होने नहीं देंगे। तुरंत देर बाद आप फाउंडेशन या फिर जो भी आप यूज़ कर रहे हो आप उसको अप्लाई मत करना, थोड़ा सा वेट करना। उसके अंदर आप आईब्रो को फिलअप कर लेना। आईब्रो को फिलअप करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम फेस तो कर लेते हैं, आईब्रो हमारे सके वैसा ही रह जाते हैं जो एक बहुत ही ख़राब दिखते हैं, तो आईब्रो को आप फिलअप ज़रूर करना। मैं यहाँ पर आईब्रो के लिए यूज़ कर रही हूँ ये मेबलिन का आईब्रो पेंसिल। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक एवरीडे मेकअप है, तो मैं एवरीडे के लिए प्रेफर करती हूँ CC क्रीम या फिर BB क्रीम। तो मैं आज ही यूज़ करूँगी ये लैक्मे की 95 CC क्रीम। मेरी शेड है ब्रॉन्ज। पहले मैं इसको डॉट डॉट करके अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट पे भी मैं इसको ब्लेंड करूंगी। फ्रेंड्स, टेक योर टाइम व्हाइल यू ब्लेंडिंग, ये बहुत ही जरूरी स्टेप है। अब फ्रेंड, जरूरी है कि आप इसको एक पाउडर से सेट कर लेना। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये मेबलिन न्यूयॉर्क की वाइट सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट पाउडर। मेरा शेड है कोरल। बहुत ही एक सस्ता सा है बट बहुत ही अच्छा है। गले पर भी लगा लेना। तो यहाँ पे हम CC क्रीम अप्लाई किए थे। फ्रेंड्स, आईज पे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि ये एवरीडे सॉर्टअप लुक है, तो थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए लगा लेना। पूरे आईलिड पे भी आप लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं ये वाला कलर और ये वाला कलर, ये दोनों कलर को मिक्स करके एक्सेस को डस्ट आउट करके मैं लगा रही हूँ। पूरे आईलिड पे भी मैं लगा लूँगी। आपको कोई भी प्रिसाइज सा नहीं करना है, पूरे आईलिड पे लगा लेना है।
आप लाइनर ड्रॉ भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। मैं लाइनर लगाना पसंद करती हूँ, तो मैं थोड़ा सा ही लाइनर, जस्ट लेस लाइन की थोड़ा सा पास से एक हल्का सा लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ऐसे आप लाइनर अप्लाई कर सकते हो, मैं उसके लिए एक वीडियो कर चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लेना। काजल अप्लाई कर लूंगी। फ्रेंड, एक मस्कारा अप्लाई कर लेना। फ्रेंड्स, अब जो सेड आप आई लिड पे अप्लाई किए थे, वही सेड थोड़ा सा आप लोअर लेस लाइन पे भी अप्लाई कर लेना, नहीं तो खाली खाली सा लगेगा। कि फ्रेंड्स, मेरी चीक्स थोड़ा चौबी चौबी सा है, तो मैं हल्का सा कंट्रोल करना प्रेफर करती हूँ। आप अगर चाहो तो आप इसको स्किप कर सकते हो। कंट्रोल के लिए यूज़ कर रही हूँ ये कंट्रोल। मेरी रोजी पिंक चिक्स के लिए मैं यूज करूंगी कलर्सो ब्लास्ट। रेगुलर मेकअप के लिए आप हाइलाइटर को स्किप कर सकते हो। मैं थोड़ा सा यहाँ पे यूज कर लूंगी। हाइलाइटर के लिए यूज कर रही हूँ ये वेट एंड वाइल्ड की हाइलाइटर। ज्यादा यूज मत करना। अब अगर नहीं चाहते हो हाइलाइटर वाला लुक, आप स्किप कर सकते हो। एवरीडे के लिए एक न्यूड सा लिपस्टिक का कलर यूज़ करना पसंद करती हूँ। आप अगर रेड्स की फेवरेट हो, आप वो यूज़ कर सकते हो। तो चलिए, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये नायका की लिपस्टिक सेड नंबर 11M नॉटी नोड। यहाँ पे मैं एक झुमका लगा लेती हूँ। फ्रेंड्स, हो गया ये रेडी एवरीडे सॉर्ट ऑफ मेकअप लुक। यही ये लुक आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स, आप क्या क्या वीडियो देखना चाहते हो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब आइकॉन के पास जो एक बेल है उसको ज़रूर दबाना, क्योंकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी आप उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए खुश रहना, हैप्पी रहना, मुस्कुराते रहना। बाय।